दिल्ली के पंचशील क्लब में सदी की ऐतिहासिक कारों को लोगों को नजदीक से देखने का मौका मिला। यहाँ पर पुरानी कारों के देश भर से कद्रदान एकत्रित हुए। इसमें तकरीबन 125 विंटेज क्लासिकल कारें और 45 स्कूटरों और मोटरसाइकिलों ने शिरकत की। इस रैली को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल विक्रम सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। विक्रम सिंह ने ऐसे कार्यक्रमों के आयोजनकर्ताओं को बधाई दी। यहाँ पे जो मैंने देखा है उत्साह, जो फर्वर देखा है, पैशन देखा है, बहुत ही काबिले तारीफ है। और मुझे जो यहाँ की जितनी ऑटोमोबाइल्स हैं जो हिस्सा ले रही हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से मेंटेन की गई हैं। साथ में मोटरसाइकिल्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किए गए हैं। और अच्छी बात है, इस क्लब को और आगे जाना चाहिए। और ये जो कमिटमेंट है, जो हेरिटेज हम प्रिजर्व करने के लिए, जो हमारी पुरानी जो हमारी विंटेज ऑटोमोबाइल्स हैं, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं क्लब को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। आज की पीढ़ी को पुरानी राजसी कारों और मोटरसाइकिलों से रूबरू कराने के लिए 21 गन सैल्यूट विंटेज कार रैली 2012 का आयोजन गन सैल्यूट और हेरिटेज मोटरिंग क्लब ऑफ इंडिया ने किया। इस कार रैली का समापन गुड़गांव के लेजर वैली पार्क में हुआ, जहां पर ये सभी कारें और मोटरसाइकिलें एकत्र हुईं। जमाना भले ही बदल गया हो, अगर कुछ नहीं बदला है तो इन कारों के कदरदानों का शौक, जो आज भी इन्हें युवा पीढ़ी के लिए संजो कर रखे हैं। कैमरामैन पंकिल के साथ मैं विवेक वाजपेयी, शुभ समाचार।